भाषा में होल नंबर्स में लिखा जाता है। सभी को समझ में आया? मतलब कभी भी मैं इसको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब ऐसे नहीं लिख सकता। डिस्क्रीट को ध्यान से समझना, और डिस्क्रीट को हम कभी भी ऐसे भी नहीं लिख सकते। क्लियर है सभी को? बट कंटिन्यूस डेटा को आप फ्रैक्शन, डेसिमल जैसे लिखना चाहो आप वैसे लिख सकते हो, उसमें खुली आजादी है। जैसे कोई 1.5 केजी ऑफ शुगर लेकर आया है, तो 1.5 शुगर लेकर आया तो किसके अंदर आएगा? कंटिन्यूस मापेंगे और किसके अंदर लिखा? 1.5 डेसिमल्स के अंदर। तो आप कंटिन्यूस डेटा को डेसिमल, फ्रैक्शन या होल नंबर कैसे भी लिख सकते हो, फ्रीडम है, आजादी है। बट डिस्क्रीट डेटा के अंदर या डिस्क्रीट डाटा के अंदर आपको कैसे लिखना पड़ेगा? होल नंबर, उसमें कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल लिखने लिखना अलाउड नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। दैट इज कौन सा डिस्क्रीट है, कौन सा कंटिन्यूस है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम या जो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बस वो ध्यान दिमाग में रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग में बैठा लेना। दैट इज जो अभी मैंने बताया, डिस्क्रीट को आप होल नंबर में लिखोगे, कंटिन्यूस को होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सब तरीके से आप उसको उसमें मेंशन कर सकते हो। मैंने बोला जो पीएचडी या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल वो ही इसको दिमाग में बैठाना। नेट के पेपर 1 के हिसाब से केवल एग्जांपल्स या जो आपको मैंने ट्रिक बताया कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी को कोई डाउट है बेटा इस तरफ? नहीं, जैसे मैंने क्या लिखा, 6 लीटर लिख सकता हूं ना, ठीक है। बट ऐसे भी हो सकता है किसी के अंदर 5.2 लीटर ब्लड, बट मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरी क्लास में 5.2 लोग हैं, नहीं ना? एक कंपनी ने एक दिन के अंदर 5.2 बुक्स छापी, नॉट पॉसिबल। एक कंपनी ने एक दिन के अंदर 5.2 वॉल्स बनाई, नॉट पॉसिबल। बट जिसको मैं मेंशन कर सकता हूं, किसी का वेट कितना है, 55.80 हो सकता है, तो उसमें कहां पे आप लिख रहे हो? डेसिमल्स में। समझ में आया? तो ये केवल कहां एप्लीकेबल है? कंटिन्यूस के अंदर। पीछे बेटा किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपका आप इस वाले पेपर में एक क्वेश्चन आने के 99 बोलेंगे, 100 तो नहीं, बिकॉज उसमें कुछ पैटर्न बने हुए हैं, कुछ पेपर छोड़कर इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी जो आपका दिसंबर का पेपर है उसमें 99% चांसेस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए। दैट इज क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव में अभी मैंने बताया हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, क्वालिटीज। बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि वहां पे हम नंबर्स को यूज नहीं करेंगे। नंबर को हम यूज कर सकते हैं, बट मेरा मेजर फोकस किसके ऊपर होगा? क्वालिटीज के ऊपर। सभी के नोट्स में मेंशन है नॉमिनल, ऑर्डिनल, हिंदी।